अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चेहरा हमारा देखें, ऐसा बबलू सा हुआ है। आज हम चढ़े जरा वेट स्केल पे, हमने देखा कि हमारा जो वेट है वो कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। मतलब कि दिखने में हम कोई मोटे वोटे नहीं लग रहे, लेकिन हालात बहुत खराब है, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई साहब डाइट जल्दी शुरू कर ली जाए। इसीलिए हमने चिकन विकन ऑर्डर कर दिया। ये कितने पैकेट है बॉस? ये सर 18 पैकेट। लोग लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, 6 महीने बाद उनसे तकरीबन इतना आ जाता है। नहीं, हमारे हफ्ते दो हफ्ते का स्टॉक है। थैंक यू जी। अगला बंदा भी सोच रहा होगा यार, ये इतना चिकन क्यों ले रहे हैं, इतनी शायद 6 महीने का स्टॉक है। हम कैसे बताएं कि भाई साहब 6 महीने का स्टॉक नहीं, हम इसको दो हफ्तों में खत्म करेंगे। आ गया चिकन। क्या चाहिए, इधर तक उठा के लाए तो किचन तक नहीं लेके जा सकते। वो मुझे याद है, मेरी सर्जरी हुई थी ना। तो तुम लाए क्यों ऊपर से नीचे से? वैसे काम है जो मैं काफी टाइम से डिले कर रहा हूँ, तो अच्छी बात नहीं, बहुत पहले करा लेना चाहिए था। ये है अनिया की छुटकू गाड़ी, इसके इंजन पिंजर ढीले हुए हैं, मतलब कि सस्पेंशन का थोड़ा सा काम होने वाला, वो बहुत पहले करा लेना चाहिए था, लेकिन हम सुस्त हैं, हम नहीं गए मैकेनिक के पास, तो हमने सोचा कि आज जाते हैं, आज इसके सारे काम कराते हैं। वैसे मेजर कुछ है नहीं, सस्पेंशन का ही है, वो कल तक वैसे गाड़ी मिल भी जानी चाहिए, जरा वो दे के आते हैं। हमारे मैकेनिक भाई जो हैं हमारा फोन नहीं उठा रहे, वो भी एक प्रॉब्लम है। गाड़ी दे दी और टाइम बहुत शॉर्ट है, आते साथ ये हमारा रैप रेडी है, ये थैंक्स टू द वाइफ। ये देखें, ये बिजी वुमन ने हमारा रैप भी बनाया है, और हमें जरा जल्दी जल्दी बस खा के निकलना है। ये क्या है, हेयर स्ट्रेट का रिव्यू बन रहा है यहाँ पे, वो देखें, वो ऐसे होते कंटेंट क्रिएशन। गाइस आज मुझे लग रहा था कि बड़ा ही ऑक्यूपाइड डे है, मैकेनिक के अलावा करने कुछ नहीं है, लेकिन आई एम रॉन्ग। मैं एक शॉक सा, उनकी कॉल आती है कि कहाँ हो? नोले घर पे। क्या आप गेस कर सकते हैं, हम कौन है? आप गेस कर सकते हैं कि हम क्या रहे हैं? कॉफी। और किसके साथ बताएं? ये रिवील, 3 2 1। पर्दे के पीछे है क्या, बता दो, हटा दो पर्दा। गाइस ये है ब्रो, ब्रो गाइस, ये जो पुराने हमें फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये है ब्रो। ब्रो डॉक्टर है। जब मैं ब्रो से मिलता हूँ तो मेरा जो बात करने का एक्सेंट है वो ऐसे हो जाता है, क्योंकि ब्रो भी ऐसे बोलता है। नहीं यार, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोलता, मैं एक मुहज्जब सख्त। आज तो लग भी रहा है सलार कमीज में, बिल्कुल कायदे आजम। गाइस ब्रो मैनी में रहता है और ब्रो डॉक्टर है। ब्रो हमारा बचपन का दोस्त है और ब्रो से हमारी मुलाकात आई थिंक कितने टाइम बाद हो रही है? साल बाद? नाइन मंथ्स। लास्ट मैनचेस्टर में मिले थे ना तुम, जो आए थे पोलैंड जब हम गए। हाँ, मई जून के आसपास। नाइस यार, बड़ा प्रिसाइजली याद है इसको। हम जब स्टूडेंट थे ना तो हम इतने गरीब होते थे कि हमारे लिए ना सबसे बड़ी अचीवमेंट होती थी बाहर से पानी खरीदना। वैसे पानी पर क्या है यार, 30-40 रुपए की बोतल है, आप जाके ले लें। लेकिन नहीं, हमने पैक्ट बनाया था कि हम करोड़ों रुपए बचाएंगे पानी भर के, जिम से भी पानी भरेंगे, स्कूल से भी पानी भरेंगे, स्कूल का दोस्त है मेरा। तो आज जब हमने ये पानी लिया ना, एक नहीं दो, हमें फील हुआ कि यार वैसे जिंदगी में कुछ उखाड़ा तो है। पानी पे पैसे खर्चे, मतलब अमीरी ये नहीं होती कि आप क्या खरीद सकते, हमने पानी खरीदा। मुझे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक साहब मिले, वैसे ही बैठे तो मेरी बात शात हुई, तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? वैसे आपको कहते हैं पाकिस्तानी एक दूसरे से बात करते ही हैं, तो कहते हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने यूट्यूब के चैनल के बारे में बताया, दैट्स नॉट वर्किंग अप रियली वेल। तो मैंने कहा मेरा एक दोस्त है यूट्यूबर, तो कहते हैं क्या नाम है? मैंने कहा उसका नाम अली हमजा बलोच। कहते अच्छा अच्छा, सरप्राइजिंग, लाइक सरप्राइज हुई। कहते हैं उनका स्टाइल बहुत अच्छा है, जो वो स्टाइल करते हैं उससे उनके सारे व्यूज आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको कॉपी करने की। नहीं नहीं यार, इतनी बड़ी बात बोल रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉपी की। मैंने कहा सर आप बिल्कुल करें कोशिश कॉपी करने की, लेकिन आपसे हो ना पाएगा। ओहो यार, नहीं ब्रो वैसे बचपन से ही हमारा ना बड़ा ईगो बूस्ट करता है, और हम कभी हमारी जिंदगी में जब भी हम डाउन रहे ना तो ब्रो हमारे साथ खड़ा है। ब्रो हमारे साथ तब भी था जब हमारे पास CD-70 होती थी। ब्रो हमारे साथ तब भी है जब हम स्पोर्टेज चला रहे हैं। हम लोगों ने शुरू कि हमने कैसे शुरू किया था? ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड, बोथ ऑफ अस स्टार्टेड फ्रॉम एब्सोल्युटली नथिंग। हम लोग बाकी सारे बच्चे जब कैंटीन के खाने खाते थे तो हम जाके ढाबे पे खाते थे, दाल खाते थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सो गाइस, नीम प्लेट मेरा एक मैसेज है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन लाइफ व्हिच बीट्स हार्ड वर्क। ऑब्वियसली इफ यू डम एंड यू वर्क हार्ड इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्मार्ट, being smart and hard work is the best thing that you will ever do to yourself in the longer run. Bro, bata. Haan ji bhai. Wo kya hai? Umar Khayyam. Kya hai us jagah ki story? Yaar, us jagah ki ye story hai ki hamare paas na paise nahi hote the pehle.
लेकिन आज है मेरे ख्याल में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गाइज आपको मजे की बात बताता हूँ ब्रो, क्योंकि डॉक्टर है तो वो कुलसुम हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे काम, वो ब्रो वहाँ पे काम करता था और गुड आई थिंक 3 साल 2 साल 1.5 साल मैंने काम, 1.5 साल काम किए और हमें महंगा लगता था, इतना महंगा नहीं है ठीक है, मतलब पर हेड आपका 1500-2000 रुपए बनता है, हमें हमेशा महंगा लगता था, हम कभी आए ही नहीं। We heard about it. Maybe I think I had it once. और मुझे बहुत महंगा लगा, मैंने कहा ब्रो बहुत महंगा है हम नहीं जाएंगे। और इसने कहा कि महंगा है, मैंने मान लिया, मैंने कहा इसने कह दिया। और ये बाजू में तो काम करता था, ये उम्र क्या, हम कभी आए नहीं। अब आज इतने अरसे बाद हम ये सोच रहे हैं कि यार आज तो बनता है और आज तो महंगा नहीं लग रहा हमें 2000 रुपए, तो आज जरा हो जाए उम्र क्या। एक काम करेंगे, क्या काम वो करेंगे जो कभी जिंदगी में नहीं किया, क्या स्टार्टर ऑर्डर करेंगे। कश के बदम जान बैंगन वाला कभी 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 गाइस, वैसे आपस की बात है, हो सकता है काफी लोग ये देख रहे हैं उनको यकीन ना आए, उनको लगे कि प्रिविलेज्ड हैं ये दो, देखें बॉयज बैठे हैं ऐसे छोड़ रहे हैं बैठे बैठे लंबे लंबे। कभी कभी अपने पुराने बॉयज के साथ बैठते हैं, मेरा पुराना एक ही बॉय है ये ठीक है, इसने मुझे देखा, मैं अपनी बाइक इसके पोर्च में लगाता था, हेलमेट उतारता था, अभी भी वीडियो होगी इसके पास। उस पॉइंट से जब हम इस पॉइंट पे आते हैं ना, और ये इतनी दफा नहीं मेरे घर आया क्योंकि बारिश हो गई थी, बारिश हो रही थी, तो जाहिर है बाइक पे हमारे जो प्लान्स थे वो थे ही वेदर रिलेटेड कि भाई बारिश ना हो रही है क्योंकि बाइक पे तो गीले हो जाएंगे, रेनकोट पहन के कौन आएगा, जूते तो गीले होंगे। और जहाँ पे हम जाते थे छते लीक करती तो हम ऐसे ढाबों पे बैठ गए, कुलसुम के साथ ही बिल्कुल यहाँ पे ढाबा होता था, हम वहाँ पे 100-200 रुपए की ऐसी वो जो सब्जी सुब्जी होती थी वो खाते थे, स्कूल के बाद भी हम खाते थे। सो दिस इज जस्ट शाउट आउट टू ऑल द ओल्ड बॉयज, यार आपके अगर हैं तो आप भी मिले, ऐसे पुरानी बातें करके कभी बड़ा अच्छा लगता है। भाईजान अगर कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है वो वीडियो जिसका LGS के ऑपोजिट अटक पंप के साथ ढाबा हो और तकरीबन 2013-12 उसका ढाबा वो खत्म हो गया, अगर उस वो भाई है तो वो भाई हमसे राब्ता करे, जितना उधार है हम उसको आज चुकाएंगे। यार मैंने आई थिंक मैंने कोई 7 साल पहले जाके ना उसको क्योंकि मैं एक दो दफा उसके पास गया तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारे अभी भी 1000 रुपए रहते हैं, तो मैंने उसको जाके दिए थे, फिर उसके बाद ये मुझे बता रहे थे कि ये गया और उसने बोला कि उसके रहते हैं उधार, एज इन वो नहीं, फिर यार उधार ये देखो हम आधी प्लेट मंगवाते थे पश्तो में ना, आधी प्लेट को कहते हैं नीम प्लेट रखा, नीम कहते हैं आधे को, तो आधी प्लेट हम लोग मंगवा लेते थे, उसपे ना हमने जितनी ग्रेवी लगाई है ना वो 2-3 प्लेट बन जाती है और वो बंदे ने उसने हमें आज तक मना नहीं किया। हाँ, ये तो जितना उसका टेक्निकली मैं तो इस चीज को यार राजे को भी शाउट आउट देना, मैं तो हाँ डेफिनेटली मैं तो उधार मानता हूँ कसम से कसम, तो अगर वो बंदा है तो हमें कॉन्टेक्ट करे। हाँ, हम उसको आधा क्रेडिट वो ढाबे वाले इब्राहिम को, डेफिनेटली ढाबे वाले इब्राहिम को, दूसरा जो क्रेडिट है ना वो मैं दिल से देना चाहता हूँ राजा जी को, राजा जी है राजा शरोज अब्बास को बड़ी रिस्पेक्ट, पता नहीं उनको हम याद भी होंगे अभी कि नहीं, वो हमारा सीनियर होता था, इसका भी सीनियर था स्कूल में, तो वो हमारी जो ढाबे की दाल रोटी थी ना वो फंड करता था और हम उसने हमें इतनी दाल रोटी खिलाई है ना कि हम आपको बता नहीं सकते, वो जैसे छोटे जो आपका छोटा बच्चे नहीं होते आपके, आप खाना खिलाते हो उनको, तो उसने हमें इतना खाना खिलाया, तो हमें दिल से बड़ी बहुत हमारी रिस्पेक्ट जाती है और हम जब भी ऐसे बैठते हैं तो हम राजे को बड़ा याद करते हैं। तो राजा जी जेन्युइनली अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो या आप तक किसी तरीके से वीडियो पहुंचे, तो राजा शरोज नाम है उनका, यार बड़ा सलूट, अब आप अगर कभी आए तो हम आपको खाना खिलाएंगे। अब हम कम से कम इस पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं दो के यूके जाएंगे तो ये खिलाएंगे, पाकिस्तान में है हम सेम शहर में रहते, इस्लामाबाद में प्रॉब्ली रहता होगा। तो राजा जी अगर आप कभी आए फोन करें मुझे, मैसेज करें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे भी और दुआ दोबारा से आपके लिए ढेर सारी दुआएं, आपने हमारा चाइल्डहुड जो है वो रिवाइव कर दिया बैठ के। गाइस कश के बदम जान तुम्हारा खत्म हो गया, इसको हम कुबीदे ट्राई करेंगे, मैं यूके में तो ट्राई करता रहता हूँ, एंड ये मेरा चावल मैंने इसलिए नहीं ऑर्डर किए क्योंकि चावल बहुत ज्यादा होते, तो हमने फिर ये थोड़े से फ्राइज ऑर्डर कर लिए और चिकन लिया ताकि जरा क्लीन हो। ऑल्सो गाइस हम जैसे यहाँ पे आके बैठे ना तो वेटर ने मेरे से पूछा आप अलीम ज़बलोच हैं, मैंने कहा जी, तो उन्होंने मुझे एक नोट दिया, आपको भी वो नोट दिखाते हैं। ये नोट था अलीम ज़बलोच, अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू एंड अनिया, आई हैव सीन ईच एंड एवरी ब्लॉग ऑफ योर्स, आई लव वॉचिंग यू गाइज, सच पॉजिटिव एनर्जी, मैनी प्रेयर्स फॉर यू ऑल, हमेशा खुश रहें ऐसे ही, लर्नड लॉट फ्रॉम यू गाइज, ऑल आर मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड स्वीट पीपल आई हैव एवर सीन, एंड ये है मरियम।
मरियम थैंक यू सो मच, दिस लिटरली लिट अप माय हार्ट. बहुत स्वीट जेस्चर था आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच. इट्स लिट अप माय हार्ट एज़ वेल. आज हम 6 बजे मिले थे एंड अब 12 बजे. ब्रो को बाय बोलने का टाइम आ गया. बाय नहीं बोलते हम, अलविदा. अलविदा, फिर मिलेंगे. गाइस सारा दिन मैं बाहर था तो हमने सोचा कि अपनी बेगम के लिए छोटा सा प्रेजेंट लेके जाया जाए. हम जरा फ्लावर मार्केट आ गए. यूजुअली हम F10 वाली में जाते हैं तो आज हम F7 वाली में आए. एंड सेम क्रिसैंथेमम. अगर आप लोगों को भी कोई और फूल पता है तो प्लीज बता दें, क्योंकि अब हम सेम फूल लेके थोड़े से तंग आ गए. हमें लगता है हमें वैरायटी पता नहीं है. ये हमारा बुके बन के आ गया है. बड़ी मुश्किल से वैसे अलग अलग मिले. बेबी ब्रेथ मार्केट में शॉर्ट है लेकिन चले, अच्छा लग रहा है वैसे. गाइस रात को आपका भाई फूल तो लेके आया लेकिन फिर फूल दे के ना रिकॉर्ड करना भूल गया. वही आपको प्रॉब्लम बताई थी कि जिस दिन वीडियो बना रहा होता हूँ उस दिन मैं भूल जाता हूँ कि वीडियो बन रही. तो वो सीन कुछ ऐसा था. यहाँ पे हमारी बेगम हमें अप्रिशिएट तो हमने बहुत किया लेकिन कहते हैं कि यार जब हमारे पास ऑलरेडी फूल थे और इनकी क्रिसैंथेमम की लाइफ बहुत ज्यादा होती है और क्यों लिए. मैंने कहा ओ मुझे क्या पता था, बस मुरझा तो ऑलमोस्ट गए हैं लेकिन वाकई वैसे लाइफ बहुत ज्यादा है. तो अब ये इनकी बारी. अब तो आई थिंक हमारा गुलदान वाज वेज जो होता है वो हमारे पास इतने हैं नहीं, दो ही हैं. इससे ज़्यादा वैसे होना भी बड़ी अनयूजुअल सी बात है. इसमें हमने डाल दिया, हमने बोला भाई ऐसे पानी में डाल के रखा करे, लाइफ बढ़ती है. आपका भाई तैयार बहुत कम होता है, बाल शाल नहीं बनाए लेकिन ओवरऑल आपका भाई ज़रा अच्छा बना हुआ है. मैंने कहा ज़रा टी शर्ट पजामे से हुडी शुडी से निकलते हैं यार, ऐसे दिल करता, कोई वजह नहीं लेकिन कभी कभी अपने लिए भी होना चाहिए. तो आज हम अपने लिए तैयार हैं. बेगम को बोलेंगे उनके लिए. ऑल्सो गाइस ऑल्सो आज बर्गर बन रहा है. Burger. Sorry. I deeply apologize. Not burger. Burger. आज burger बन गया. Burger. तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा burgers होते थे. तो हमें अपना आप बहुत देसी लगता था वहाँ पे. तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार मेरे स्कूल में ना मैं बड़ा मिसफिट था. इतने बर्गर में थोड़े से कुछ हैंडफुल हमारे दोस्त बने जो हमारे जैसे थे. अंदर से देखिए इंसान की जात हमारी जैसी होनी चाहिए जो हमारे सर्कल में. हम बोल रहे कि बर्गर लोग अच्छे नहीं होते, बस मतलब हमारा उस लेवल का उनसे हम रिलेट नहीं कर पाते थे. और जिंदगी में हमने फिर थोड़ा दोस्त बनाए और अपने जैसे ही बनाए. खैर गाइस बर्गर अपडेट. ये पैटी है और ये जस्ट इन केस आप लोग सोच रहे डाइट पे बर्गर खाओगे, आप लोगों को क्या पता. मैंने रिसेंटली एक कमेंट पढ़ा, मैं पता नहीं किस चीज के बारे में. हाँ वो मैंने टूथपेस्ट की किसी वीडियो में बताया कि बेलन मार मार के मैं निकाल रहा हूँ. उसने बोला कि इस पे पैसे बचाने से बेहतर है बाहर खाना बंद करो. यार देखो जिंदगी जीनी है कि नहीं, मतलब ये नहीं कि बाहर से आपने गंद खाना है, आपने फैटी चीजें खानी है. पॉइंट ये होता है कि अगर आपने बाहर से भी खाना है स्मार्टली हो सकता है. डिपेंड्स ऑन योर गोल. मुझे रिसेंटली नहीं दिल कर रहा था कुछ करने के लिए, सर्जरी हुई थी, एक्सक्यूज थी मेरे पास. कुछ लोग डाउन हो सकते हैं, कुछ लोगों का नहीं दिल कर सकता. हो सकता है मोटिवेशन डिफरेंट होती है, एवरीबॉडी इज डिफरेंट. बर्गर खा के भी डाइट हो सकती है, बाहर से बर्गर खा के भी डाइट हो सकती है. डिपेंड्स व्हाट योर अप्रोच इज. ये है एक्स्ट्रा लीन बीफ पैटी जो कि ग्रिल हो रही है. यह है नॉर्मल आपका डॉन वाला बन. मैदा खा रहे हो, मैदा अनहेल्दी होता है, ये होता है, कुछ भी नहीं होता. ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना. आर्ग्यू करना तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके साथ काउंटर आर्ग्यू करूंगा. आपको एविडेंस से इतना टाइम नहीं है मेरे पास लेकिन चल फिर भी दे दो. ये है एक्स्ट्रा लीन. इतना लाल एक्स्ट्रा लीन जब आपको लेना हो आपके सामने, क्योंकि हमें लिखा नहीं होता कि 90% लीन 95% लीन. तो जब हम लेने जाते हैं ना, मैं तो फटती आदमी हूं, कसाई के सर पे बैठता हूं और मैं उसको बोलता हूं कि इसके अंदर चर्बी का एक वाइट दाना नहीं नजर आना चाहिए. लेकिन हमारी बेगम जो है वो कॉल करके मंगा लेती हैं कि बस एक्स्ट्रा लीन बीफ. क्या तरीका है, जब तक आप तंग नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा. इन्होंने मंगाया तो अब ये बाकी मेरा सारा. ये एक ही है. हाँ आई एम नॉट हंग्री. मैंने अभी दलिया खाया अपना. क्या वैसे यार ये ब्रांडों के बर्गर होंगे. ये देखें गाइस ये फुल ऑन ऐसे, ये जूसी बर्गर किस लेवल का लगा. माशाल्लाह आई कांट वेट टू हैव माइन. ये यहाँ पे सॉस तैयार हुई है इसकी. बाकी इसमें रॉकेट शॉकेट डला हुआ है, वही महंगा पत्ता. इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन टेस्ट इसका डिफरेंट होता है. सो इट्स वेरी नाइस गाइस. इसे मैंने ना अभी ये अपना ओट्स खाए थे लेकिन दिल कर रहा है ये खाने का. क्या है? नहीं एक फ्राई तो लेने दो, छोटा दे लो. खाने का छोटा दे लो, एक तो दे दो. अच्छा एक, अच्छा दो. अच्छा तीन. मैं एक तो दे रही हूँ, तुम तीन पे चले. अच्छा एक तो दे दो टेस्ट करने दो यार. ये नहीं है, नहीं थोड़ा बड़ा वाला. अच्छा एक और दे दो. नहीं मुझे खाना खाना का. नहीं तुम्हें ऑफर हुए फ्राइज. वो बर्गर चखा रही हो. कौन सी वाली साइड? तो लगा था सिर्फ फैटी कट अच्छा होता है. बर्गर अगर खाने हैं तो आपने बाहर से जाके खा लेना, घर पे ही बनाएंगे. तरीके से अगर सारी चीजें करें, कढ़ाई बना रहे हैं, तो ये डाइट के कॉन्सेप्ट को इतना डिमोनाइज किया हुआ है. डाइट कर रहा हूँ तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. अभी काफी कॉमेंट्स आते हैं
बाहर खाते रहते हैं फलाना, जब मेरा मुंह बबलू होता है आपको पता लग जाता है, यू डोंट नो हाउ लीन आई एम और हाउ मच मसल मास आई हैव बिकॉज पीपल डोंट केयर. उनको तो ये स्केल पे वजन कितना है, बाहर से गंद खाते हो. सो ठीक है यार, मतलब एक दफा ना हमारी बेगम बाहर से आई थी, हाँ भी दो तीन दिन पहले की बात है, बाहर से आई थी तो थकी होंगी, तो हम भी थके हुए थे. तो जैसे आए तो हमारा पकाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ असेंबल ही कर रहा था. दिल नहीं कर रहा था, कुक अप तुमने आज तक पकाया जो तुम्हारा उस दिन दिल नहीं कर रहा था. एक्सक्यूज मी, आई हैव कुक्ड सो मेनी टाइम्स. तो हमने इनको बोला कि यार वो जो रैप है ना असेंबल ही तो कर दे यूं करके, तो वो कर दो मेरे से ना, वो असल में ऐसे वो होगा नहीं. झूठ 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 सब हो जाता है तुमसे, बस यू वर जस्ट टू लेजी टू डू इट. और अभी मैंने लिटरली गाड़ी से बाहर पैर रैप बना दो, मेरा रैप बना दो, मेरा रैप बना दो, मेरा रैप बना दो, मेरा रैप बना दो. आई लिटरली, बंदा पूछता है हाउ वाज योर डे, जिस काम के लिए गई थी वो हो गया, कैसा यार दोस्त से मिलने गई थी, अच्छा गुजरा होगा, फन किया होगा, सारा कुछ. तो गाइस अब जब हमें खाना चाहिए तो हम ऐसे पूछते हैं खाना बना दो. मुझे बोलती है तुम्हें एक्टिविटी अच्छी लगती है, तो अच्छी, मुझे अच्छा लगता है पकाना, बट नॉट लिटरली द मोमेंट आई रीच होम मेरे सर पे कोई खड़ा हो जाए. अब हमें थोड़ा सा कैसे डर लगता है, ये लो बनाओ. क्या बनाओ, खुद बनाओ यार. अभी देखो मैं तब तैयार श्यार हुआ हूँ, तो मुझे दिल नहीं कर रहा अभी. अब भी दिल नहीं कर रहा, ऐसे बोल रहे जैसे रोज करता है बड़ा दिल. एक्सक्यूज मी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू कुक्ड समथिंग? यार देखो जब आपको बैठे बैठे इतना अच्छा खाना मिल रहा हो तो आप पकाओगे क्यों बताओ? प्लस मुझे कोई शौक भी नहीं है इस सच कुकिंग का, लेकिन मुझे आती है. कुछ भी नहीं गाइस, देखें लोगों को ना, जैसे मेरे अब्बा है ना, उनको सर्वाइवल स्किल्स नहीं है. मतलब अगर उनको अंडा बनाना है ना, तेल खत्म हो गया, तो मैंने उनको एक दफा देखा वो तवे में पानी लगा के तेल बना रहे थे. गाइस आई एम श्योर डैडी कुछ ना कुछ पका सकते हैं, अली तो बिल्कुल भी नहीं कुछ पका. एक्सक्यूज मी, शादी से पहले कैसे करता था मैं? अम्मा बनाती थी तुम्हारे लिए खाना, जब मेरी बात होती थी बेचारी अम्मा ने कभी तुम्हारे लिए कोई कीमा बनाया होता था, कभी कोई चिकन चावल बनाए होते थे, सब मैरिनेट करके रखा होता, ज्यादा ज्यादा तुम क्या एयर फ्राई कर लेते थे. एक्सक्यूज मी, इट्स ट्रू. ऐसे एयर फ्राई में भी डालना, मसाले लगाना, मसाले भी अम्मा लगाती थी. ऐसा कुछ नहीं, अम्मा लगाती थी, मुझे बताया उन्होंने. यार कभी कभी, हमेशा कभी कभी, हमेशा कभी कभी. बहुत भूख लग रही है यार, मुझे एंड टाइम पे नहीं बताया करो, भूख लगने से पहले बताया करो ना. यार भूख लगेगी तो बताऊंगा ना. ऑल्सो गाइस, बीवियां जो होती है ना, वो पानी नहीं पीती, तो ये इतना बड़ा 2 लीटर का दिया है कि शायद पी लें पानी. बहुत अच्छा पानी पी है बहुत दिनों से. आई होप इट. और अभी मुझे अनिया ने बोला कि रॉकेट को काटो, रॉकेट ये वाली सब्जी. मैंने कहा इसको काटना क्या है, मतलब धोना, सॉरी इसको धो. मैंने कहा इसको धोने की जरूरत नहीं, क्योंकि मट्टी का टेस्ट आता है. अब ये छोटी सी चीज को धोने का ना समझ नहीं आ रही, मैं छन्नी का है. ये हमारा एक्सक्विजिट फैंसी इंग्लिश बर्गर रेडी है. थैंक्स. जितनी रोज होती है. जी 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 गाइस, ये 17 डिग्री लिखा हुआ है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मतलब स्टैम्प पेपर पे, कि इतनी कोई शदीद सर्दी है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता. इट फील्स लाइक 3 डिग्री 2 डिग्री, इतनी सर्दी लग रही है. और अभी ये बाहर खड़ी नहीं हुई ना, अभी मैं एक भाई के साथ खड़ा हुआ था बाहर. ओहो, वो भी गाड़ी में घुस गए, फिर गाड़ी में बैठ के हमने गप लगाई. ना, बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है. डैडीज के साथ जरा जा रहे हैं, इनको वीडियो बनानी है. हमने बोला ठीक है, हम इनके साथ चलते हैं. वी जस्ट रीच्ड एथनिक, इनको कोई अपनी कैंपेन चैंपियन शूट वूट करनी है जो इंटरनेट पे लगाएंगी, जरा इनको फॉलो करेंगे, इनको हेल्प करते हैं. कैमरामैन तो भाई है आपका. यार मेरा रोल बता दो, मैंने क्या करना है? मैंने बस वीडियो बनानी है हमारी. ऐसी वीडियो तो आप देखेंगे यूट्यूब पे, लेकिन उसका BTS आपको यहाँ से दिखाते हैं. ये अब यहाँ से डायलॉग डिलीवरी. अच्छा ये बम्बर बैग भी गिर गया. अच्छा पर्स गिराना स्क्रिप्ट में. 1 2 3 गो. भाई पर्स उठाना इतना मुश्किल है, बाश के औरतों के कपड़ों में भी भूल गए डालो. मम्मी बोली गिर जा.
क्योंकि क्लोथिंग स्टोर से मेरी सुन तो ली, उन्होंने सीट तो रख दी लेकिन मैनिकेंस के लिए। भाई कहाँ बैठेगा, वो बैठने की जगह ही नहीं है यार, इतनी अजीब सी बात है, मैनिकेंस के बैठने की है इंसानों की नहीं। ऐसे में लगा था कि एक जगह से हम फारिग हो गए हैं और हम घर जा रहे हैं, अब मैं क्रॉस स्टिच जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? जा रहा है ना, वो सुबह में लाई थी ना, वो चेंज कराना। यार आपकी अम्मी भी करती है ये, पहले ले लेती हैं फिर चेंज कराती हैं, फिर दोबारा चेंज कराती हैं और फिर दोबारा चेंज कराती हैं। उसमें ये मसला है, क्या क्रॉस स्टिच के कपड़े सबसे प्यारे हैं, लेकिन उसका मसला ये हो रहा है कि आड़े बना रहे हैं। आप जो मेरी तरह होंगे जिनको पता होगा आड़े का, वो आड़ा बना रहे हैं तो वो पहनने में बहुत मुश्किल होती है। बच्चियां तो पहन लेती हैं, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो मैं देख रही हूँ, अगर कोई और मुझे समझ आ गई तो ले लूँगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त आए गाइस। ये एक मॉल है छोटा सा, हमें भी नहीं पता था कि मॉल है, F10 मरकज में मॉल है, हमें नहीं पता। यहाँ से क्रॉस स्टिच से चेंज कराना था, एज यूजुअल अम्मा हमेशा ही करती हैं, आपकी भी अम्मी करती हैं, तो कमेंट करें हमें बताएं ताकि हमें फील हो के हम अकेले नहीं है। चले जी गाइस, वी आर बैक एंड रात के खाने का भी टाइम हो गया, तो हमने सोचा कि रात का खाना बना लीजिए। तो हम रोल्स थोड़े से डिवाइड कर रहे हैं, कुकिंग वाला पार्ट ये कर रही हैं और एयर फ्राइंग वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा फ्राइज हमने करने हैं। ये ज़रा हम ओपा फ्राइज को करेंगे यार, वैसे ऑनेस्टली जिस लेवल के इम्पोर्टेड फ्रोजन फ्राइज होते थे ना, ये बिल्कुल सेम है। और इम्बोर्ग के हम लेते थे, वो यार इतने महंगे होते थे, आई स्टिल रिमेम्बर मे बी लाइक 700-800 रुपए के फ्राइज। यार आप खुद सोचें, डजंट मैटर आप जितने मर्जी, आपके पास खुले पैसे हैं, उड़ाओ चलाओ इसको, लेकिन यार 700-800 के ना बिल्कुल छोटे से, आई थिंक 500 ग्राम्स आपको आलू लेते हुए, फ्राइज लेते हुए आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो फिर आया भाई साहब पिछले आई थिंक 3-4 साल में हमारा लोकल ब्रांड, और जब लोकल ब्रांड अच्छी चीज़ करता है ना यार, वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए। ये ओपा फ्राइज के हैं ओरिजिनल वाले, हमने चंकी पकड़ कौन कौन से क्रिंकल श्रिंकल कौन कौन से हमने ट्राई किए, तो अब इसको हम जरा वे करेंगे। हाँ अच्छा, अब मुझे नहीं पता इसकी साइंस क्या है कि क्यों ये जिस तरह के जो आपके, हाँ घर पे ऐसे नहीं बनते, घर पे थोड़ा से सॉफ्ट सॉफ्ट मोशी मोशी थोड़े प्री फ्राइड होते हैं। अच्छा हुए होते हैं पहले, थोड़े इनमें फैट होता है कैलोरीज में, तो आलू में तो फैट नहीं होता, आई एम श्योर प्री, और तेल भी नहीं डालना पड़ता, तेल निकलता है या फ्राई, प्री फ्राइड होते हैं। ऑल्सो गाइस अनदर न्यूज़, हमारी गैस नहीं आ रही, तो हमने वैसे असल में करना तो ग्रिल था लेकिन इंडक्शन पे बना रहे हैं, क्योंकि गैस तो आती नहीं, गैस तो हमारे घर आती नहीं रात को। और ये पहले मुझे लगता था कि हमारे घर की कहानी है, लेकिन हमारे घर की कहानी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है। पाकिस्तान में रात को गैस, पता नहीं शायद उनको लगता होगा लोग रात को खाना नहीं बनाते, कुछ करते नहीं हैं, तो पता नहीं क्या थी। हमें चाहिए थे 300 ग्राम्स, क्योंकि 150 ग्राम धनिया के और 150 ग्राम्स मेरे होंगे, तो अब इसको ज़रा वापस रख देते हैं। हमारे फ्रेंच फ्राइज को एयर फ्रायर में डालते हैं, चलें अब डालते हैं। वैसे गंदा बड़ा हुआ है यार, सॉरी गाइस, अगर आपको लगे कि ये गंदा है तो आई एम सॉरी, ये एयर फ्रायर क्योंकि बंद होता है तो कोई देखता नहीं है कि ये गंदा है, इतना टाइम भी नहीं है कि इसको धोया जाए। अब हम ज़रा इसको डालते हैं इसमें, नो तेल नो नथिंग, बस इसको ऐसे करके इसमें इसको फॉर 200 डिग्रीज को। ऑल्सो गाइज, हमारी बेगम ने इंडक्शन जो है हमारा चूल्हा उसको फेल कर दिया, उसमें हम फ्राई करने की कोशिश करते ग्रिल में, ना इवन हीट नहीं जाती, क्यों ना बाकी पैन पे इतना अच्छा पक नहीं रहा होगा, मतलब ये शुगर मेले वाला बना हुआ है ऐसे, मतलब इसमें नूडल चूडल आप बनाए ये करें, बट ये एक्चुअल खाना पकाने के लिए नहीं है। मे बी शायद बन जाए, जिन जिन चीज़ों में आपको टेंशन हो कि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा वो रिक्स मत लें इसमें, ज़रा रिक्स ही होगा बहुत। ये हमारे प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट स्टाइल बर्गर और फ्राइज तैयार, अभी ज़रा शो देखेंगे और फिर सोने का टाइम, और ये भूखा आ जाता है हमेशा, मुझे भी दो ये देखो, अब उसने देख लिया, चलो अंदर, बाहर नहीं जाना, चलो चलो अंदर, चलो चलो, इतना बड़ा मैट्रेस तुम्हारे लिए बिछाया भाई, यहाँ पे सो, मस्ती चढ़ी हुई है, इसकी दुम देखिए ऐसे होती रहेगी, वो पड़ा खाना, ये कर लाड़ियाँ कि मुझे खाना दो, नहीं बेटा वो अभी दिया था ना, वापस जाओ। चलें गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, आपसे मुलाकात होती है कल एक नए वीडियो में, ये अगले दिन रिकॉर्ड हो रहा है, अगले के भी अगले दिन वो हम एडिट भी नहीं कर पाए ना, तो फिर हमने बोला कि वो एंडिंग रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अल्लाह हाफिज़ करना अच्छी बात होती, तो चलें गाइस,
अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।